हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित। तो आज की इस नई वीडियो में गाइस बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन में यहाँ पे चेंज हो चुकी है। देखिए गाइस, यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन जो वी आई का डेमो यूज़ करते हो यहाँ पे चेंज हो चुका है। आपके पास चेंज नहीं हुआ तो आपको क्या करना है गाइस, प्ले स्टोर में चले जाने का है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है स्मार्ट कनेक्ट। जैसे ही सर्च करके आपको अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अपडेट कर लेना है। पहले यहाँ पे पुराना वर्जन आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे नया वर्जन आ चुका है। देखिए यहाँ पे लोगो सब यहाँ पे चेंज हो चुका है गाइस। तो गाइस आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन में यहाँ पे चेंज हो चुकी है। जो सिंपली आपको यहाँ पे इस तरह का आइकन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, तो आपको यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन में भी चेंजिंग हुए हैं। सब ऑप्शन यहाँ पे नए आ चुके हैं, कैसे वो सब दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, तभी आपको पता चलेगा। तो देखिए गाइस, इस हिसाब से मैं देखा जाता हूँ, आपको एप्लीकेशन अपडेट नहीं किया है तो अपडेट कर लेना है। यहाँ पे लास्ट अपडेट आया था 11 अक्टूबर 2024 में, यहाँ पे चेंज हो चुका है सब। तो सिंपली आपको यहाँ पे मैं बैक आ जाता हूँ। देखिए इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन है स्मार्ट कनेक्ट, को यहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। वो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन हो यहाँ पे ऐसे आ रही थी पहले लोगो, यहाँ पे लोगो ऐसा अब ऐसा आ रहा है, चेंज हो चुका है। देखिए इसके बाद यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन जैसे ही लॉग इन होती है तो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे आइकॉन देखने को मिल जाएगा, अलग पहले से अलग देखने को मिल जाएगा। देखिए चेंज हो चुका है सब, पहले जैसे आ रहा था पे नेम सो रहा है, पे बैलेंस सो रहा है, तो पूरी तरह से चेंज हो चुका है गाइस। हाँ गाइस, पूरी तरह से चेंज हो चुका है स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन। तो देखिए सिंपली आपको यहाँ पे रिचार्ज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ऊपर ही आप नया आइकन रिचार्ज नंबर, इस वाले यहाँ पे देखिए नई तरीके से आ चुका है। अपना जो डेमो नंबर यहाँ पे आ रहा है देखिए। इसके बाद यहाँ पे बैलेंस इधर शो हो रहा है, इधर हाय अमित सोलंकी अमित कुमार, यहाँ पे नेम शो हो रहा है। इसके बाद रेफर एक्टिवेशन सर्विस, ये सब यहाँ पे ऐसे ही है, लेकिन ये सब यहाँ पे चेंज हो चुके। इसके बाद यहाँ पे थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर यहाँ पे सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल चुका है, यहाँ पे ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ रैंक वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे रैंक वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में मैं फिर अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इधर यहाँ पे नया अपडेट आया है, नए में क्या चेंजिंग हुआ वो सब दिखाने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे एड बैलेंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इधर यहाँ पे एड बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप प्लीज़ चेक डिस्ट्रीब्यूटर फीचर लाइव, तो यहाँ पे आप बैलेंस ऐड कर सकते हो। तो देखिए गाइस, यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा न्यू एड बैलेंस, यहाँ पे न्यू एड बैलेंस, यहाँ पे यूपीआई, मतलब आप यूपीआई से बैलेंस ऐड कर सकते हो। हाँ गाइस, यूपीआई से भी बैलेंस ऐड कर सकते हो गाइस। देखिए तो यहाँ पे ये सब चेंजिंग देखने को मिल जाएगा, ये सब ऑप्शन चेंज हो चुका है गाइस। तो गाइस स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन में ये सब चेंज हो चुका है, आपको पता चल गया कि नया वर्जन कैसा है, नया वर्जन ऐसा है गाइस। तो आपने नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन हो यहाँ पे अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद ऐसा आइकॉन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे सब चेंजिंग देखने को मिल जाएगा गाइस। तो गाइस आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा।